आज की हमारी क्लास HDP फर्स्ट ईयर के लिए इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी की है, और एनाटॉमी के अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे अध्यावरणी तंत्र के बारे में, जो आपका एक नया चैप्टर है जिसे आप इंटेग्यूमेट्री सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि अध्यावरण किसे कहते हैं। सभी जीवों में शरीर का बाह्यतम अपारगम्य आवरण त्वचा या अध्यावरण कहलाता है। अब अपन बात करेंगे अध्यावरणी तंत्र, वही बात है, आपको वही चीज़ पढ़नी है। जैसे कोशिकाएं हैं वो मिलकर ऊतक बनाती है, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, और अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। तो इसी प्रकार त्वचा और त्वचा के युत्पन्न मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे अध्यावरणी तंत्र कहते हैं। यानी त्वचा व त्वचा के युत्पन्न से मिलकर बना तंत्र अध्यावरणी तंत्र कहलाता है। अध्यावरणी तंत्र में किन किन का अध्ययन किया जाता है? अध्यावरणी तंत्र में त्वचा और त्वचा के युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। तो अध्यावरणी तंत्र में सबसे पहले अपन देखेंगे त्वचा, उसके पश्चात अपन पढ़ेंगे त्वचा के युत्पन्न। त्वचा के युत्पन्न कौन कौन से हैं? वो है आपके बाल, खुर, पंजे, नाखून, सींग और त्वचा ग्रंथियाँ। ये त्वचा ग्रंथियाँ भी दो प्रकार की होती है, एक होती है आपके सीबेसियस ग्लैंड और दूसरी होती है स्वीट ग्लैंड। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अध्यावरणी तंत्र में किन किन का अध्ययन किया जाता है। तो अध्यावरणी तंत्र के अंतर्गत त्वचा और त्वचा के उत्पन्नों जैसे बाल, त्वचा ग्रंथियाँ जैसे सीबेसियस ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, हॉर्न, खुर, पंजे और नाखून आदि का अध्ययन अध्यावरणी तंत्र के अंतर्गत किया जाता है। अपन ने अध्यावरणी तंत्र किसे कहते हैं इसके बारे में भी देख लिया, अध्यावरणी तंत्र के बारे में देखा, इसके साथ ही अध्यावरण तंत्र में किन किन का अध्ययन किया जाता है उसके बारे में देखा, और अब अपन देखेंगे अध्यावरणी तंत्र के कार्य। यानी ये जो भी त्वचा और त्वचा के उत्पन्न है वो शरीर में क्या कार्य करते हैं। तो अध्यावरणी तंत्र का पहला कार्य है तापमान नियंत्रण करना, दूसरा है जीवाणुओं से, रसायनों से एवं भौतिक कारकों से शरीर के ऊतकों की सुरक्षा करना। इसका मतलब हो गया कि अध्यावरणी तंत्र जीवाणुरोधी, तापरोधी और जलरोधी होता है। नेक्स्ट कार्य है संवेदनाओं को ग्रहण करना, त्वचा और त्वचा के उत्पन्न है जो संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करते हैं, और ये संवेदनाओं को ग्रहण किसके माध्यम से करते हैं? रिसेप्टर के माध्यम से। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ताप के लिए कौन से संवेदांग पाए जाते हैं, दर्द के लिए कौन से संवेदांग पाए जाते हैं और ठंड के लिए कौन से संवेदांग पाए जाते हैं। इसके अलावा अध्यावरणी तंत्र का कार्य है डिहाइड्रेशन या पानी के उत्सर्जन को रोकना, डिहाइड्रेशन को रोकना। तो ये आपके अध्यावरणी तंत्र के कार्य हो गए। अब अपन दो छोटे छोटे डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। एक है आपके डर्मेटोलॉजी, तो त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं, और दूसरा है ट्राइकोलॉजी, तो बालों के अध्ययन को ट्राइकोलॉजी कहा जाता है जबकि त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है त्वचा का अध्ययन,
तो अब सबसे पहले अपन बात करेंगे त्वचा के बारे में। और अध्यावरणी तंत्र में भी अपन ने क्या कहा था कि सभी जीवों के शरीर का बाह्यतम अपारगम्य आवरण त्वचा या अध्यावरण कहलाता है। तो त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है जिसकी मोटाई अलग अलग स्थान पर अलग अलग होती है। जैसे अपन पशुओं की बात करें तो पशु की पीठ पर जो त्वचा पाई जाती है वो त्वचा मोटी होती है और जांघ क्षेत्र की त्वचा पतली होती है। इसके साथ ही अपने को ये भी पता होना चाहिए कि त्वचा से चमड़ा प्राप्त किया जाता है और त्वचा से चमड़ा प्राप्त करने की जो क्रिया है उसे टैक्सीडर्मी कहते हैं। टैक्सीडर्मी का मतलब होता है त्वचा से चमड़ा प्राप्त करना। इसके साथ ही दूसरी डेफिनेशन और आती है यहाँ पे आपके कि टैनिंग किसे कहते हैं, यानी जीव की मृत्यु के तुरंत पश्चात एपिडर्मिस से चमड़ा प्राप्त करना टैनिंग कहलाता है। और ये त्वचा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक है आपके एपिडर्मिस और दूसरी है डर्मिस। लेकिन त्वचा की तीसरी लेयर भी पाई जाती है जिसका नाम है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस की उत्पत्ति है जो एक्टोडर्म से होती है और डर्मिस की उत्पत्ति है जो मेजोडर्म से होती है। तो त्वचा के प्रकारों के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे कि एपिडर्मिस है उसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से किस प्रकार होती है, किस प्रकार इसका निर्माण होता है और एपिडर्मिस की कितनी लेयर पशु शरीर में पाई जाती है, उसमें किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है और किस माध्यम से वो कार्य करती है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। पहले बता रहा हूँ अध्यावरणी तंत्र में से प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा।